पूरे देश में अकेला चुनाव क्षेत्र रहा जहां की शालीनता, भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन पूरे देश के लोगों ने देखा और सराहा। हम भी उसके कायल हुए, आप भी कायल हुए, जनता जनार्दन भी कायल हुई। तो मैं इसका भी बहुत कदर करते हुए यहां की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार देता हूं, करता हूं, प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना साथ दिया, सहयोग दिया। उसके बाद भी अगर कोई बात हुई तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, और वो भी हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा मैं हर हाल में अपने लोगों के साथ हूं, साथ था और आगे भी साथ रहूंगा। पटना साहब रिमेन्स माई फर्स्ट चॉइस, माई सेकंड चॉइस एंड माई लास्ट चॉइस। मैं पब्लिक लाइफ में हूं, पब्लिक लाइफ में था और पब्लिक लाइफ में अपना भरपूर योगदान देने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। इसी संदेश के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हार की हार की वजह क्या मानते हैं? नहीं, ये सब बात का भी सवाल है। ये सब इफ्सन बट के देखे, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब जब सक्सेस सामने आ गया है तो उसको अभी पहले आप उसको सराहना करेंगे ना, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि अच्छी बात है, सराहना है। और देखिए, घी तो दाल में ही गिरा, अगर हम नहीं जीते अगर तो हमारे भाई रविशंकर प्रसाद ही जीते हैं, जिनको हम शुरू से फैमिली को बिरयानी भी आ जाता है, आप जीते तो बिरयानी भी आ जाता, जीना भी हो जाते। सर, सीरियस नोट सर, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? हिंदी में पूछ रहे हैं। आई टोल्ड यू दिस टू अर्ली टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। आई हैव जस्ट सेड नाउ आई एम मीटिंग माई पीपल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स, मीटिंग सम ऑफ माई लीडर्स एंड सम ऑफ माई एडवाइजर्स। उनके हिसाब से हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। इसलिए हमने बाकी कोई राजनीति में नहीं है। अरे मैं गया कब का, मैं राजनीति छोड़ेंगे तो नहीं हार के बाद। मैं ऐसा क्या समझा सर, वापसी की कोई अफसोस बीजेपी छोड़ने का और नई पार्टी कांग्रेस में जाने? वैसे तो मैंने कहा था अभी कोई सवाल ना ही लू तो बेहतर होगा, लेकिन अब आपने छेड़ दिया है तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा। आपने छेड़ दिया है तो ऐसा कोई अफसोस नहीं। जिस नई दिशा में चला गया, मुझे लगा कि मैं सही दिशा में गया हूं, और कभी अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आप किसी ह्यूमन जजमेंट को और ह्यूमन एरर की शिकायत नहीं करते। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं मेरा ह्यूमन एरर है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरा जजमेंट मार खाया। आप सबों ने देखा किन हालात में मैं गया, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ कर गया। आपने देखा कि पहले हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने नाम अनाउंस किया और अच्छा लगे उनका किया, ठीक है, बगैर हमें खबर किया, बगैर हमारी सलाह मशवरा किया, तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, हम उनको शुभकामना देते हैं। आरोप है कि आप पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे? ये आरोप है या वेस्टर्न इंटरेस्ट ने कहा है आप लोगों में से कुछ लोगों को कि पूछने के लिए? पार्टी लाइन के खिलाफ तो हमने काम ही नहीं किया कभी। हमने जब किया काम राष्ट्र हित में किया, देश हित में किया। कोई आदमी एक उदाहरण दे दे कि मैं इतना इमेच्योर हूं कि मैं जिस पार्टी में पार्टी लाइन के खिलाफ बात करूंगा, क्यों करूंगा भाई? मैं समझदार आदमी हूं, मैच्योर हूं, सीनियर आदमी हूं। मुझे लगा क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूं और आप भी जानते हैं, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। तो जब मैं जो बातें उठा रहा था अपने स्वार्थ में नहीं उठा रहा था, या तो कोई कह दे कि मैंने अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम किया हो, कोई कट करप्शन में डील किया हो, कोई फैक्ट्री लीवर लाइसेंस मांगा हो, गाड़ियां मांगी हो, मैंने तो अपने कुछ नहीं मांगा। अगर नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई तो मैं आज भी कहता हूं लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, क्यों आखिर उन लोगों आवाज नहीं उठाई लोगों ने? अगर हमने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के बारे में जिसमें 300 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, उस पर लोगों को सामने आना चाहिए था। मैं सामने आया, मैं तो अब फार्मर्स के लिए आया, नौजवानों के लिए आया, आपके लिए आया, सारे परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार हों, निम्न वर्गीय परिवार, उनके लिए आया। अगर उसके लिए लगता है मुझे सजा मिली है, तभी मैं कहता था ना कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी, अगर सच कहना बगावत है। शत्रु जी, सिचुएशन बनता है तो कभी बीजेपी जाएंगे आप? अगर सिचुएशन बनता है तो अरे कल क्या होगा कौन कह सकता है, लेकिन अगर आप मेरा चरित्र देखते हो, अगर आप मेरी फितरत जानते हो, और ये भी फितरत देखी आप, मेरे अंदर शुरू से स्पेड को स्पेड कहने का मानता है। मैं हमेशा स्पोर्ट्समैन इसीलिए करता हूं, अगर अपोजिशन के लोग भी अच्छी बातें करते हैं, हमने खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात की,
जब दुर्गा का दुर्गा माँ से तुलना की इंदिरा गांधी बांग्लादेश और सबने बहुत सराहा था, उसी तरह से अब मैं जो हूँ आपने फितरत देखी, आपके साथ मैंने दिल से मोदी जी की प्रशंसा की, दिल से मैंने अमित शाह की और दिल से हमेशा करता हूँ और आगे भी करूंगा हमारे दोस्त और फैमिली फ्रेंड रविशंकर जी की। ये जीत की घड़ी है, ये उनके जश्न की घड़ी है, ये हमारे लिए प्रशंसा की घड़ी है, सराहना घड़ी है। मैं उनको हार का नहीं बल्कि जीत का हार पहना रहा हूँ। चतुर जी, अपने हर प्रेस ब्रीफिंग में आपने इस बात को रिपीटेडली कहा है कि आपकी ऑपोजिशन जो है राइटिंग ऑन द वॉल जो है इसको पढ़ नहीं पा रहा है। अब जब रिजल्ट लगभग आ चुके हैं तो क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि शायद आप ही राइटिंग ऑन द वॉल को नहीं पढ़ पाए? हो सकता ऐसा भी हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ है ये तो नहीं कहा जा सकता। तो हमने शुरू में ही कहा अपने बयान में कि बहुत सारे खेल तमाशे तो हुए हैं, सब बता रहा, खासकर कुछ प्रदेशों में। मैं खुद अपने आपस उत्तर प्रदेश देख गया, एक जगह कई जगह वो जो कमाल और धमाल था वहां पे, और इतना ज्यादा सुपड़ा साफ, मैं कहता सुपड़ा साफ हो जाना। बिहार में 17-17 सीटें हैं और 16 और 15-15 सीटें मिल जाना, बंगाल में इस तरह से हो जाना, इन बातों पर होगी, वो मेरा काम नहीं है। वो जो नेतागण हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग करेंगे, समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसी हिसाब से बाद में एक्शन और रिएक्शन होगा। अभी तो मैं आप लोग से, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो और आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ दिया साथ देते थे, हमेशा ऑल हैव बीन वेरी फेयर टू मी, स्पेशली मोस्ट ऑल ऑफ यू। महागठबंधन की बुरी हाल हुई है बिहार में, दो सीटों पर सिमट कर रहे हैं, क्या लगता है इन मुद्दों का जो लगातार महागठबंधन के दल उठा रहे थे उसका असर जनता को कुछ नहीं? मैं कह रहा हूँ वही बात, शायद ठीक से आपको समझा नहीं पाया, मैं तो कह रहा हूँ खेल तमाशा हुआ, लेकिन अभी वो घड़ी नहीं है बात करने की। अभी तो जो लोग जीते हैं उनको सलाम करने की घड़ी है, उनकी तारीफ करने की घड़ी है, उनको बधाई देने की घड़ी है। मैं इसलिए आया हूं यहाँ पे, और वो तो बातें होंगी होंगी, जो आप सोच रहे हैं कि आपकी भी चिंता है वो शायद चिंता भी हमारी भी है। अभी आप आगे 15-15 सीटें, 16-16 सीटें, 17-17 सीटें में आ जाना, तो ये है तो कुछ, लेकिन वो सर ये कहते हैं ये कहानी फिर कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको चाहिए और बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोग इसके बावजूद। राजनाथ सिंह को आप धन्यवाद नहीं दिए? खामोश दोस्त है भाई, धन्यवाद तो दीजिए, वो भी जीते, चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। राजनाथ सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे, मेरा ख्याल अब रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, पर अभी तो उम्मीद यही थी कि रहेंगे। राजनाथ सिंह जितने लोग, राजनाथ सिंह ने कोई एक्टिव और प्रो एक्टिव रोल अदा नहीं किया, वो अपने ही चुनाव में लगे हुए थे, इसलिए उनका नाम नहीं लिया। नाम लिया उनका जिनका मैं मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना, अमित शाह जी को उनको माना जो मुखिया है, जिनका मोदी फैक्टर या मोदी मैजिक या मोदी का जादू जिन कारणों से चढ़ा सर चढ़ के बोला उनके बारे में बोला। धन्यवाद।